जमी बेच देंगे आसमां बेच देंगे, जमी बेच देंगे आसमां बेच देंगे, इनका वश चले तो ये मुर्दों का कफन बेच देंगे, घर सो गए कलम के सिपाही तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। भौंकने का काम टीवी चैनल के एंकर करते हैं जो सारे दिन भौंकते रहते हैं। हमें आवश्यकता है बड़े मुगल मीडिया जो है उनसे सतर्क रहने की, इन्होंने देश को गिरवी रख दिया है, जो इनका काम है उस काम से पथभ्रष्ट है, अब अपने काम पर नहीं चल रहे हैं। इनको तो सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन, पैसा और सत्ता के सहारे से सत्ता की मलाई चाटने का काम बड़े मीडिया हाउसेस कर रहे हैं। नमस्कार, मैं संजय कुमार। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार। आज हमारे बीच हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हिमाचल प्रदेश के प्रभारी वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शर्मा जी। इनसे जानेंगे मीडिया की गिरती हुई छवि के बारे में कि क्या अभी गिरा है। जी नमस्कार। मीडिया किसी टाइम में एक उम्मीद की किरण होता था, किसी भी अन्याय के खिलाफ आम जनमानस की एक उम्मीद की किरण होती थी कि कोई बात नहीं, अगर कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई पार्षद अगर हमारी नहीं सुन रहा है, कहीं फाइल फीताशाही में लिपट, लाल फीताशाही में लिपट कर रह गई है, तो उस बात को लेकर के आम जनमानस बड़े गर्व के साथ कहता था कि मैं मीडिया में जाऊंगा, मैं मीडिया का सहारा लूंगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मीडिया को बड़े शक की नज़र से देखा जाता है। वो इसलिए देखा जाता है क्योंकि खुद अपनी गरिमा मीडिया ने गिराई है। बहुत पुरानी कहावत है कि जमी बेच देंगे आसमां बेच देंगे, जमी बेच देंगे आसमां बेच देंगे, इनका वश चले तो ये मुर्दों का कफन बेच देंगे, घर सो गए कलम के सिपाही तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। आज ये वतन बेचने और बिकवाने का ही काम कर रहे हैं। आज मीडिया का इतना बुरा हाल है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे हम कहते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं, और बड़ी उम्मीद के साथ हम मीडिया को एक भरोसे की नजर से देखते हैं, लेकिन आज मीडिया पूरी तरह से कटघरे में है। मीडिया जो परिवार है, मीडिया के जो पत्रकार साथी हैं, जो मीडिया हाउसेज हैं, वो मीडिया हाउसेज नौकर के मुगल मीडिया बन गए हैं। बड़े उद्योगपतियों और बड़े बड़े नेताओं के तलवे चाटने का काम अगर कोई कर रहा है तो मीडिया कर रहा है। मुझे कहने में गुरेज नहीं होगा कि आज देश के हालातों के लिए बहुत हद तक मीडिया भी जिम्मेदार है, क्योंकि मीडिया अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वाह नहीं कर रहा है। सर, जो मैनेस्ट्रीम मीडिया है उसको आप गोदी मीडिया भी लोग कहते हैं, तो क्या आप मानते हो गोदी मीडिया अपना कर्तव्य को निर्वाह सही से नहीं कर रहा है? देखिए, गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है, चापलूस मीडिया है, चटुकारिता मीडिया, बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि एक सज्जन पत्रकार को, एक वरिष्ठ पत्रकार को, एक देशभक्त पत्रकार को, एक जनता के हक हकूक की लड़ाई लड़ने वाले पत्रकार को आज बड़े शर्म से कहना पड़ता है मैं भी पत्रकार हूं, क्योंकि आज ऐसे पत्रकारों की संख्या बहुत कम रह गई है। ज्यादातर जितने भी बड़े मीडिया हाउसेज हैं, आप उन्हें उठा के देख लीजिए, वे सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के चैनल हो गए हैं। मीडिया का व्यापारीकरण कर दिया गया है। मीडिया किसी टाइम पर, बहुत समय पहले अंग्रेजी हुकूमत के दौरान, एक अखबार में विज्ञापन निकला था कि पत्रकार चाहिए फला फला जगह से, जैसे विज्ञापन निकालते हैं हम लोग, आप लोग टीवी चैनलों में, अखबारों में, जब चैनलों का दौर नहीं था, अखबार का दौर था, कि पत्रकार चाहिए, तो उसके नीचे लिखा था सैलरी जो पत्रकार को मिलेगी अंग्रेजी हुकूमत के डंडे और दो सू की रोटी और पतली दाल और जेल यात्रा, ये मेहनताना लिखा हुआ था जो अखबार का संपादक था संवाददाताओं के लिए। और आप यकीन मानना, देशभक्ति का इतना जुनून था, पत्रकारिता का इतना बड़ा जुनून था लोगों के दिल और दिमाग पर, उसके लिए बायोडाटा लेकर के लाइन लग गई थी। आज हर तीसरा व्यक्ति पत्रकार है जिसको ना ABCD पता। बहुत ज़्यादा चैनलों ने इतनी गरिमा गिरा दी है कि जो पत्रकारिता के बारे में अनभिज्ञ हैं, पत्रकारिता के उसूल क्या होने चाहिए, पत्रकारिता का क्या सिस्टम होना चाहिए,
पत्रकारिता की क्या गरिमा होनी चाहिए, वो गरिमा आज नीलाम होकर रह गई है बड़े बड़े सत्ताधारियों के चौखट पे जाकर के दुम हिलाने का काम करती है मीडिया। शर्मा जी, वर्तमान समय में प्रिंट मीडिया कहीं ना कहीं क्षुब्ध होती जा रही है, सोशल मीडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पे आजकल के नए युवा जो पत्रकार बनते नजर आते हैं, जो चाटुकारिता करते नजर आते हैं, उनको देख कर क्या कहना आप? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि ऐसा ना हो कि जो मीडिया में अब YouTube के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जो पत्रकार साथी बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो गलती हैं, वो सभी चाटुकार हैं। चाटुकारिता की तो सबसे ज़्यादा हद जो है वो पार कर दिए बड़े मुगलों ने, जो मीडिया मुगल हैं। आजकल के जो हमारे जो पत्रकार साथी जो गांव मोहल्ले में हैं, गलियों में हैं, सड़कों पर हैं या छोटे शहरों में हैं, वो चाहे YouTube का सहारा ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो काफ़ी हद तक अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। क्या सरकार को इस पर बैन लगाना चाहिए? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल, ये तो आज़ादी पर बैन हो गया ना, बैन नहीं लगाना चाहिए। मेरा मानना ये है कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको जो ज़रूरत है वो सीखने की ज़रूरत है। वो अपने सीनियर से सीखें और एक मिसाल इस प्रकार की कायम करें कि ज़रूरी नहीं है कोई बड़े चैनल या बड़े मीडिया हाउस जी आप बढ़िया पत्रकारिता करके दिखाएं। कई बार जो हमारे बीच का पत्रकार साथी है वो इस प्रकार की खबर खोज के ला सकता है जिससे हुकूमत हिल जाएगी, जिससे सत्ता के पैर डगमगा जाएंगे। इसमें बैन की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है बड़े मुगल मीडिया जो है उनसे सतर्क रहने की। इन्होंने देश को गिरवी रख दिया है, जो इनका काम है उस काम से पथभ्रष्ट है, अब अपने काम पर नहीं चल रहे हैं। इनको तो सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन, पैसा और सत्ता के सहारे से सत्ता की मलाई चाटने का काम बड़े मीडिया हाउसेस कर रहे हैं। नाम लूंगा तो लंबी फहरिस्त है, आप सब लोग जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं। आज मीडिया का स्तर बहुत ज़्यादा गिर चुका है। शर्म आती है एक अच्छे पत्रकार को कहने में कि हम भी पत्रकार हैं। आज टीवी चैनलों पर आप देख लीजिए, बल्कि मैं ये कहूँगा भौंकने का काम टीवी चैनल के एंकर करते हैं, जो सारे दिन भौंकते रहते हैं लोगों को बुला करके, लोगों को बिठा करके, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, सत्ता के नाम आप, पर। आप खुद भी एक वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, जो कि आपने 26 साल का दौर पत्रकारिता में गुजारा है, तो आप इस तरीके से आप मीडिया के लिए शब्द निकाल मैं रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं, मैं अभी तो 4 बार कह चुका हूं, हमें खुद ये बात कहने में केवल संकोच महसूस होता है कि हम पत्रकारिता में, क्योंकि पत्रकारिता का स्तर इन लोगों ने गिर दिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज्यादातर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं 5 उंगली बराबर नहीं होती, लेकिन अधिकांश संख्या इन मीडिया वालों की हो गई है। आप कोई भी चैनल ज्यादातर उठा के देख लीजिए, मैं सबका नाम सबको कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं, ज्यादातर मीडिया चैनल को आप बैठा के देख लीजिए, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक कांग्रेस प्रवक्ता, एक भाजपा प्रवक्ता, और भाजपा का एक प्रवक्ता नहीं होता, जो टीवी एंकर होते हैं ये भी भाजपा के प्रवक्ता की भूमिका निभाते हैं। ये भाजपा के प्रवक्ता अगर कोई चीज भूल जाए तो ये याद दिलाने का काम करते हैं। इन्होंने देश में जहर घोल दिया है। अभी परसों की स्टेटमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जस्टिस की आई है, उन्होंने कहा है कि जो चैनल हैं ये पैरेलल कोर्ट चलाने की कोशिश करते हैं। आज आप एक बात बताइए, आपने पुलिस ने आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कर लिया, मुकदमा दर्ज एक प्रक्रिया होती है और आपको कोर्ट में पेश कर दिया, ट्रायल चल रहा है, आप चाहे जेल चले गए, मीडिया ने दिखा दिया कि उसने डकैती करी, चोरी करी या एक्सटॉर्शन मनी ली, अगर वो 2 साल 3 साल बाद 4 साल बाद उस केस से बरी आता है तो क्या उसका मान सम्मान वापस दे देती है मीडिया? आप संजू मूवी में देखिए मीडिया का कितना बुरा हाल है, जो संजय दत्त के एक लाइफ के ऊपर बायोपिक बनी है, फिल्म बनी है, जो आप उसको देख लीजिए। मीडिया तो अपने आप को यह समझता है कि हम प्रधानमंत्री भी हैं, हम मुख्यमंत्री भी हैं, हम शासन है, हम प्रशासन है। इस तरीके की भाषा का जो इस्तेमाल कर रही है आज मीडिया, तो आम लोग जो हैं जिनकी टकटकी निगाह मीडिया की तरफ होती थी वो कहीं ना कहीं धूमिल हो चुकी है। अब विश्वास भरोसा उठ चुका है और जब तक ऐसे चैनलों के खिलाफ बायकॉट का सिस्टम नहीं चलाया जाएगा जो केवल सत्ता की मलाई चाटने के लिए सत्ता का गुणगान करते हैं। अरे भाइयों, पत्रकारिता और पत्रकार तो वो चीज़ होती थी जिसकी एक पत्रकारिता की इज्जत के लिए, एक पत्रकार की इज्जत के लिए हुकूमत के पाए हिल जाते थे,
नेता लोग खड़े हो जाते थे, आज नेता लोग ऊपर बैठे हैं और जो मुगल मीडिया के पत्रकार हैं वो तलवे चाटने का काम कर रहे हैं, कुत्ते की भूमिका में हैं, हड्डी डालो उधर दो मिलाना शुरू कर देते हैं। तो शर्मा जी ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मीडिया मालिकों का राजनीतिकरण हो गया है, जाते हैं या क्या मानते हो? बिल्कुल मैं इस बात से आपके इस सवाल से सहमत हूँ। आज जो मीडिया की जो ये हालत है, जो सत्ता के साथ दुम हिला रही है, इसका सीधा कारण देखिए, अडानी के अंबानी के चैनल हैं, दुनिया के ज्यादातर जो चैनल हैं वो औद्योगिक घरानों के चैनल हैं, और औद्योगिक घराने का मतलब ये होता है उद्योग घराना कोई भी बिना सत्ता के आशीर्वाद के नहीं चलता है। मैंने पहले भी बताया कि अब पत्रकारिता नहीं रही, अब तो चाटुकारिता रह गई है, अब पत्रकारिता का व्यापारीकरण हो गया है, और ये व्यापारीकरण पत्रकारिता का जो सच्ची पत्रकारिता है, जो निष्पक्ष पत्रकारिता है, उस पत्रकारिता से जो हनन हो रहा है मीडिया का, वो हमारे देश के लिए खतरे की घंटी है, वो कोई शुभ संकेत नहीं है, वो हमारे देश को एक अराजकता की तरफ, गुलामी की तरफ धकेलने का काम कर रही है। मीडिया का काम होता सरकार को आईना दिखाना, आम जनमानस की आवाज को बुलंद करना, लेकिन अपने पद से पूरी तरह विमुख होकर के पत्रकारिता सत्ताधारियों, बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के चौखट के दरबान बनकर रह गए हैं। क्या लोकतंत्र अभी खतरे में है? मीडिया की जो भूमिका है इसको क्या आप मानते हो कि लोकतंत्र अब खतरे में है? बिल्कुल, मीडिया अगर समय रहते नहीं चेती, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खासतौर पर मैं बात करता हूँ, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपने आप को नहीं बदला, अपने रवैये को नहीं बदला, तो वो दिन दूर नहीं है जब देश के आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाला समय मीडिया के इस दौर के इतिहास को देखेगा और मीडिया की जिम्मेदारी पर उंगली उठाएगा। आने वाला समय, आने वाला भविष्य मीडिया को कोसेगा, क्योंकि मीडिया की जो भूमिका है वो बिल्कुल कहीं से भी पारदर्शी नहीं है, और लोकतंत्र के लिए ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि ये वो स्तंभ है, लोकतंत्र का वो चौथा स्तंभ है जो स्वतंत्र है, जो किसी के अधीन नहीं है, लेकिन अपने आप जाकर के अधीन किसी के बन जाए तो उस बात का कोई इलाज नहीं होता। पत्रकार बंधुओं के लिए एज ए पत्रकार आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं सभी पत्रकार साथियों से, अपने जो भी मेरे जूनियर साथी हैं, सीनियर साथी को तो मैं क्या सलाह दे सकता हूँ, जो भी जूनियर साथी हैं पत्रकारिता में, चाहे नए दौर में आए हैं वो, चाहे उन्हें थोड़ा समय हुआ है, थोड़ा ज़्यादा हुआ है, मेरी एक ही गुजारिश है कि कलम को झुकने नहीं देना है, किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करना है। जहां पर देश हित की, समाज हित की, मानव हित की अगर बात आए तो वहां चाहे सर कलम करवाना पड़े। इतिहास को दोहराइए, इतिहास से सीखिए कि ऐसे ऐसे लोगों ने अखबारें निकाली, जंग आज़ादी के लिए अपने अखबारें निकाली, वीकली अखबार तक निकाले, खुद बांट कर जाते थे, अंग्रेजी हुकूमत में छुप करके अखबार की प्रिंटिंग कराते थे, प्रिंटिंग के पैसे नहीं थे तो हाथ से लिख लिख करके अखबारें चलाते थे, और आज हम उनको याद करते हैं तो इसीलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता की एक गरिमा को बचाए रखा। यह मेरा संदेश पत्रकार साथियों से है कि किसी भी तरह से पत्रकारिता को व्यवसाय मत समझो, पत्रकारिता एक मिशन है, पत्रकारिता इज नॉट बिजनेस, पत्रकारिता एक मिशन है, और यह मिशन है देशभक्ति का, यह मिशन है समाज के हित का, यह मिशन है आम आदमी के, गरीब आदमी के, जो कि सबसे नीचे वाली पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसके न्याय और हक हकूक की आवाज का मामला है, तो पत्रकार साथी उस निचले जो पायदान पर व्यक्ति खड़ा है उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करे। अगर ऐसा नहीं कर सकता है तो पत्रकारिता को छोड़ करके अपने किसी और अन्य कार्य में लग जाए। पत्रकारिता को अगर तुमने व्यवसाय मान लिया तो पत्रकारिता में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।